इस वीडियो में हम मैक्सिमम सब एरे इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम में आपको एक इंटीजर एरे दिया हुआ है, उसमें पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। आपको उसमें से सब एरे विद द लार्जेस्ट सम ये फाइंड आउट करना है और उसका सम रिटर्न करना है। हमें ये एग्जाम्पल दिया है -2, -1, -3, -4, -1, -2, -5, 4। इस एरे में जो हमारा लार्जेस्ट सम वाला सब एरे है वो क्या है, 4, -1, 2, 1, ये वाला सब एरे, इसका सम हमें रिटर्न करना है। इसका सम कितना आएगा, 4, -1, 3, +2, 5, +1, 6, हमें ये 6 रिटर्न करना है। प्रॉब्लम में हमें केवल सम रिटर्न करने को कहा है, पर हम ये भी सीखेंगे अगर हम इसके स्टार्ट और एंड कोऑर्डिनेट, इसका स्टार्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 और एंड कोऑर्डिनेट क्या होगा 6, हम इसके स्टार्ट और एंड कोऑर्डिनेट्स ये भी कैसे स्टोर कर सकते हैं। अगर हम इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, हम सारे के सारे सब एरे कंसिडर कर लें, उन सबका सम निकाल लें और फिर जो भी मैक्सिमम सम हो उसको रिटर्न कर दें। हम सारे सब एरे कैसे कंसिडर कर सकते हैं, हम एक पॉइंट को फिक्स कर दें, फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो जो सब एरे बन सकते हैं वो सारे फाइंड आउट कर लें। जैसे हम ये फाइंड आउट कर लें, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से हम सारे के सारे सब एरे कंसिडर कर लें, हर एक सब एरे का सम फाइंड आउट कर लें और जो भी हमारा मैक्सिमम सम आए वो हम रिटर्न कर दें। इससे हमारे टाइम वेलोसिटी इसमें चल जाएगी, एन स्क्वेयर में हमारे एन स्क्वेयर सब एरे होंगे, हम हर एक सब एरे कंसिडर करेंगे तो हमारे एन स्क्वेयर सब एरे होंगे और इसके लिए हमें टाइम कितना लग जाएगा, एन स्क्वेयर, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो हम इसको ऑप्टिमाइज कैसे करें, जैसा कि हमारी मोस्ट सब एरे प्रॉब्लम में होता है, हम इस प्रॉब्लम को स्लाइडिंग विंडो का यूज़ करके ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हम इस पर स्लाइडिंग विंडो कैसे लगाएंगे वो एक बार देख लेते हैं। स्लाइडिंग विंडो में हम क्या करते हैं, हम दो पैरामीटर लेके चलते हैं, एल और आर, जो कि हमारे स्टार्टिंग में जीरो इंडेक्स को पॉइंट कर रहे होते हैं। हम वन बाय वन आर एच साइड को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे स्टार्टिंग में हमारा आर यहाँ पर है तो अभी हमारा इसका सम कितना आएगा, -2, यही हमारा मैक्सिमम सम भी हो जाएगा। फिर हम आर को एक एक्सपेंड करके यहाँ पर ले आएंगे। अब हम इसका सम कैलकुलेट करेंगे, -2 और 1 कितना आएगा, -1, जो कि इससे बेटर है, तो हमारा सम अपडेट हो जाएगा -1। अगेन हम राइट विंडो को एक्सपेंड करेंगे, हमारी राइट विंडो आएगी यहाँ पर, हम इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, -4, जो कि इससे कम है, तो अभी हमारा मैक्सिमम कितना रहेगा, -1। नाउ एक चीज़ नोट करो, अभी हमारा लेफ्ट टू राइट इसका सम कितना है, -4 है, और जब मैं इस एलिमेंट को कंसिडर करता हूँ, मैं आर को यहाँ पर लाकर इसको कंसिडर करता हूँ, तो क्या मुझे इस प्रीवियस सब एरे का सम इसमें ऐड करने से कोई बेनिफिट होगा। अगर मैं इसको इंडिविजुअली कंसिडर करूँ तो मेरा कितना सम आएगा, 4 सम आएगा, और अगर मैं इसको पिछले सब एरे के साथ कंसिडर करूँ तो मेरा सम कितना आ रहा है, 4, -4, 0 हो जाएगा। तो अगर मेरा पिछले सब एरे का सम नेगेटिव है तो मैं जो भी करंट एलिमेंट होगा उसमें अगर नेगेटिव नंबर ऐड करूँगा तो मेरा सम कम ही होगा, तो मैं इस पूरे को कंसिडर ना करूँ। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, लेफ्ट बाउंड्री को श्रिंक करूँ, मैं लेफ्ट बाउंड्री को यहाँ पर ले आऊँ, इससे मेरा क्या होगा, अब ये -2 मेरी विंडो से बाहर चला जाएगा और मेरी अब तक की विंडो का सम कितना हो जाएगा, -2, और अब मैं -2 ऐड करूँगा तो मेरा सम कितना आएगा, 2 आएगा, यानी कि पहले से बेटर है। लेकिन अभी भी मेरा 1 और -3 इसका सम क्या है, नेगेटिव है, तो मैं नेगेटिव इस नंबर में ऐड करूँगा तो मेरा बेनिफिट नहीं होगा, तो अभी भी मुझे लेफ्ट बाउंड्री को श्रिंक करना है, तो मैं लेफ्ट बाउंड्री को ले आऊँगा यहाँ पर। अब मेरी विंडो का सम कितना है, -3, अभी भी नेगेटिव है, तो मैं लेफ्ट बाउंड्री को एक को श्रिंक करके ले आऊँगा यहाँ पर। तो अब मेरी विंडो में केवल एक ही एलिमेंट बचेगा, तो मैं इसका सम कैलकुलेट कर लूँगा, 4, और ये मेरा इस विंडो के लिए सम हो जाएगा, और मैं इसको मैक्सिमम सम से कंपेयर करूँगा, मैक्सिमम कितना था, -1, अब कितना हो जाएगा, 4। तो इस तरह से मेरी स्लाइडिंग विंडो वर्क करेगी, मैं वन बाय वन आर एथ को एक आगे लेता जाऊंगा, मैं नेक्स्ट एलिमेंट को कंसिडर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर मेरी प्रीवियस विंडो का सम नेगेटिव है तो मैं लेफ्ट विंडो को एक एक श्रिंक करता जाऊंगा। एक बार हम इस पूरे एरे पर ये स्लाइडिंग विंडो अप्रोच लगा के देख लेते हैं और फिर हम देख लेंगे कि हम इसको फर्दर ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। नाउ हमने कहा था कि हम मैक्सिमम सम के साथ साथ उसके कोऑर्डिनेट, स्टार्ट कोऑर्डिनेट और एंड कोऑर्डिनेट ये भी स्टोर करेंगे, तो इसके लिए हमने 3 वेरिएबल ले लिए, मैक्सिमम सम, उसका स्टार्ट पॉइंट, उसका एंड पॉइंट, साथ में हमने हमारी जो करंट विंडो है उसका सम मेंटेन करने के लिए करंट सम ये वेरिएबल ले लिया। अब हम इस एरे पर हमारी स्लाइडिंग विंडो लगाएंगे, एल हमारा 0th इंडेक्स पर होगा, आर भी हमारा 0th इंडेक्स पर होगा, अभी हमारा करंट सम क्या होगा, -2, हमारा मैक्सिमम सम भी क्या रहेगा, -2, और मैक्सिमम स्टार्ट और एंड हमारा क्या होगा, अभी 0 और 0, एक ही एलिमेंट है। अब हम आर बाउंड्री को एक्सपेंड करेंगे, हमारी विंडो में ये 1 ऐड हो गया। अब हम इस 1 को इंडिविजुअली कंसिडर करें या फिर इस प्रीवियस एलिमेंट के साथ कंसिडर करें, हमारा क्या है, ये प्रीवियस एलिमेंट नेगेटिव है, हमारी प्रीवियस विंडो का सम नेगेटिव है, तो अगर हम 1 में नेगेटिव ऐड करेंगे तो हमारा सम कम होगा, तो हमें इसको कंसिडर नहीं करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी एल बाउंड्री को एक आगे ले आएंगे। अब हमारा सम कितना हो गया, 0 हो गया, प्रीवियस हमारी विंडो का कितना हो गया, 0 हो गया, कोई भी एलिमेंट नहीं है उसमें।
अब हमारा ये न्यू एलिमेंट आया वन, हम इसका सम कंसिडर करेंगे तो कितना आएगा, वन आएगा। हमारा करंट सम कितना हो जाएगा, वन, और मैक्सिमम भी हमारा कितना हो जाएगा, वन। स्टार्ट और एंड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, वन। फिर हम राइट बाउंड्री को एक्सपेंड करेंगे, राइट बाउंड्री आएगी यहाँ पर। अब मेरा प्रीवियस सम कितना था, वन था, मेरी प्रीवियस विंडो क्या थी, इतनी थी, इसका सम वन था। तो मैं किसी पॉजिटिव नंबर को अगर मेरे नंबर में ऐड करूँगा तो मेरा सम बढ़ेगा, यानी कि मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, तो मैं लेफ्ट बाउंड्री को यहीं पर रखूँगा। मेरी राइट बाउंड्री आ गई माइनस थ्री, मैं इनका सम कैलकुलेट करूँगा, इनका सम कितना आएगा, वन माइनस थ्री माइनस टू, मेरा करंट सम आ गया माइनस टू। मैं इसको अपने मैक्स सम से कंपेयर करूँगा, मेरा वन ज़्यादा है तो मेरा मैक्स सम अभी यही रह जाएगा, और मैक्स स्टार्ट और एंड भी मेरा वही रह जाएगा जो मेरे मैक्स सम के कॉरस्पॉन्डिंग था। मेरे मैक्स स्टार्ट और एंड कब अपडेट होंगे, जब मेरा मैक्स सम अपडेट होगा तभी। अगेन मेरा ये सम क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, यानी कि मुझे नेक्स्ट एलिमेंट को कंसिडर करने के लिए मेरी लेफ्ट बाउंड्री को श्रिंक करना पड़ेगा। मैं लेफ्ट बाउंड्री को लाऊंगा एक आगे, अभी भी मेरा सम क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, तो मैं फिर से लेफ्ट बाउंड्री को लाऊंगा एक आगे। आप ऑब्जर्व करो, हमारी लेफ्ट बाउंड्री को हम वन वन शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी लेफ्ट बाउंड्री को हम डायरेक्ट इस एलिमेंट पर ला सकते हैं जो नेक्स्ट एलिमेंट हम कंसिडर करने वाले हैं उस पर ला सकते हैं। हमारा आर अभी यहाँ पर है, नेक्स्ट एलिमेंट हम ये कंसिडर करने वाले हैं, तो हम एल को डायरेक्ट आर प्लस वन पर ला सकते हैं। क्यों ला सकते हैं, क्योंकि हमारा सम नेगेटिव किसकी वजह से गया, हमारी विंडो का सम नेगेटिव किसकी वजह से गया, इस एलिमेंट की वजह से जो लास्ट में नेगेटिव था उसकी वजह से गया। तो जब तक ये एलिमेंट हमारी विंडो से बाहर नहीं जाएगा तब तक हमारी विंडो का सम नेगेटिव ही रहेगा, इसलिए हम एल को वन वन शिफ्ट करने की बजाय सीधा एल को यहाँ पर ला सकते हैं, आर प्लस वन यहाँ पर डायरेक्ट शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब हमारी लेफ्ट बाउंड्री आ गई यहाँ पर, अब हम राइट को ले आएंगे यहाँ पर ताकि हम इस फोर को कंसिडर कर सकें। अब हम जब फोर को कंसिडर करेंगे हमारा करंट सम क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, और इसको जब मैक्स से कंपेयर करेंगे तो हमारा मैक्सम भी क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। अब हमारे मैक्स स्टार्ट और एंड भी अपडेट होंगे, मैक्स स्टार्ट क्या होगा जो हमारी लेफ्ट बाउंड्री होगी, मैक्स एंड क्या होगा जो हमारी राइट बाउंड्री होगी, यानी कि दोनों पर क्या आ जाएगा, थ्री। फिर हम राइट बाउंड्री को एक्सपेंड करेंगे, अभी हमारी प्रीवियस विंडो का सम क्या है, पॉजिटिव है, तो हम एल को यहीं पर रहने देंगे। अब हमने आर इसको ऐड किया, हमारा सम कितना होगा, फोर माइनस वन थ्री, हमारा करंट सम कितना हो गया, थ्री। इसको मैक्स से कंपेयर करेंगे, अभी भी हमारा फोर बड़ा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा मैक्स सम मैक्स स्टार्ट मैक्स एंड सेम रह जाएंगे। और क्योंकि हमारा प्रीवियस विंडो का सम क्या है, पॉजिटिव है, तो हम डायरेक्ट आर को एक आगे ले जाएंगे, हम लेफ्ट बाउंड्री को एज इट इज़ यहीं पर रहने देंगे। आर आ गया यहाँ पर टू पर, अब हम इसको हमारे करंट सम में ऐड करेंगे, हमारा करंट सम कितना हो जाएगा, थ्री प्लस टू फाइव हो जाएगा, और इसको जब मैक्स से कंपेयर करेंगे तो हमारा मैक्सम भी क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, और हमारा मैक्स स्टार्ट तो क्या है, थ्री पर रहेगा, मैक्स एंड अप क्या हो जाएगा, फाइव। फिर हम राइट बाउंड्री को ले जाएंगे एक आगे, वन, ये हमारे करंट सम में ऐड होगा, सिक्स होगा, तो इससे हमारा मैक्सम भी अपडेट होगा और हमारा मैक्स एंड भी अपडेट होगा, अब क्या हो जाएगा, सिक्स। फिर हम राइट बाउंड्री को एक आगे लेके जाएंगे माइनस फाइव, हम हमारे करंट सम में इसको ऐड करेंगे, तो सिक्स माइनस फाइव हमारा करंट सम क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। इसको मैक्सम से कंपेयर करेंगे, हमारा मैक्सम अभी सिक्स है तो एज इट इज़ रह जाएगा, अभी भी हमारा सम पॉजिटिव है तो हम इसको आगे एक्सपेंड करेंगे। अभी हमारा एलिमेंट क्या है, फोर, हम इसको करंट सम में ऐड करेंगे तो हमारा करंट सम क्या हो जाएगा, फाइव। हम इसको मैक्सम से कंपेयर करेंगे तो मैक्सम अभी भी बढ़ा है तो हमारा मैक्सम एज इट इज़ रह जाएगा, हम राइट बाउंड्री को एक्सपेंड करेंगे। अब हमारी राइट बाउंड्री एरे के बाहर चली गई, जैसे ही हमारी राइट बाउंड्री एरे के बाहर जाएगी हम इस प्रोसेस को यहीं पर स्टॉप कर देंगे, और इस टाइम पर जो हमारा मैक्सम होगा, मैक्स स्टार्ट होगा, मैक्स एंड होगा, वो हमारा इस प्रॉब्लम के लिए आंसर होगा। हमारा मैक्सिमम सम क्या आया, सिक्स, और हमारा मैक्सिमम स्टार्ट और एंड क्या आया, थ्री और सिक्स, हमारा फोर माइनस वन टू वन, ये वाला सब एरे। तो इस तरह से हम स्लाइडिंग विंडो लगाकर इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। हमारी स्लाइडिंग विंडो की टाइम वेलोसिटी क्या होती है, हम एक बार राइट विंडो को जीरो से एन तक लेके जाते हैं और एक बार लेफ्ट विंडो को जीरो से एन तक लेके जाते हैं, टोटल हमारी टू एन टाइम्स, इतनी टाइम स्लाइडिंग विंडो चलती है, तो हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आ जाएगी, टू एन। और अब हमने स्पेस के नंबर क्या लिया, केवल ये चार वेरिएबल्स, तो हमारी स्पेस वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ओ वन। नाउ एक और चीज़, हमारी राइट विंडो तो वन वन के स्टेप में जा रही है, तो एक एन तो राइट के लिए लगेगा, लेकिन लेफ्ट विंडो हमने क्या देखा था, हमें वन वन से श्रिंक करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही हमारा सम नेगेटिव होगा हम डायरेक्ट लेफ्ट विंडो को आर प्लस वन इस पर लेकर आ सकते हैं, तो एक्चुअल में हम ये टू फैक्टर हटा सकते हैं। और अब जो ये एल्गोरिथम है, आर को एक एक मूव करना और एल को डायरेक्ट जंप करके आर प्लस वन, जैसे ही नेगेटिव हो उसको आर प्लस वन पर ले आना, ये हमारा कैडेंस एल्गोरिथम भी कहलाता है। ये एक वेल नोन एल्गोरिथम है जिसका नाम है कैडेंस एल्गोरिथम, और ये एल्गोरिथम यही है कि जैसे ही आपका सम नेगेटिव हो आप अपने करंट सम को ज़ीरो कर दो और अपनी लेफ्ट बाउंड्री को डायरेक्ट आगे ले जाओ। तो अगर हमें कैडेंस एल्गोरिथम नहीं भी पता है, हमें बस स्लाइडिंग विंडो का कंसेप्ट पता है, तो भी हम इस प्रॉब्लम को ईजिली ओ ऑफ एन में सोल्व कर सकते हैं। अब हम एक बार इसका कोड देख लेते हैं। हमें एक वेक्टर ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ था, हमें क्या निकालना था, मैक्सम निकालना था,
तो सबसे पहले हमने मैक्सिमम को एक काफ़ी लो वैल्यू इंट मिन ले लिया। हमें करंट विंडो का सम मेंटेन करके चलना था, उसके लिए हमने करंट सम ले लिया। साथ में हमें जो हमारा मैक्सिमम आएगा उसके स्टार्ट और एंड कोऑर्डिनेट ये मेंटेन करने थे, उसके लिए हमने दो वेरिएबल्स ले लिए। फिर हमें स्लाइडिंग विंडो लगानी थी, तो हमारे स्लाइडिंग विंडो के दो पैरामीटर होते हैं लेफ्ट और राइट। हमने स्टार्टिंग में इनको जीरो इंडेक्स पर पॉइंट करा दिया। फिर हम स्लाइडिंग विंडो कब तक चलाते हैं, जब तक हमारी राइट बाउंड्री एरे के बाहर नहीं चली जाती, जब तक हमारा आर लेस देन नम्स डॉट साइज, जो हमारे एरे का साइज़ है उससे छोटा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम आर एथ एलिमेंट को इंक्लूड करते हैं, हम आर एथ एलिमेंट का सम हमारे करंट सम में ऐड कर देते हैं। फिर हम हमारे मैक्सम से कंपेयर करते हैं, अगर हमारा मैक्सम छोटा है यानी कि अभी हमारा करंट सम बेटर हो गया है, हमें बेटर मैक्सिमम सम मिल गया है, तो हम उसको अपडेट कर देते हैं और उसके स्टार्ट और एंड कोऑर्डिनेट हमारे स्टोर कर लेते हैं। स्टार्ट और एंड कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जो हमारी विंडो के लेफ्ट और राइट कोऑर्डिनेट होंगे। तो मैक्स स्टार्ट में हमने एल स्टोर कर लिया, मैक्स एंड में आर स्टोर कर लिया। फिर हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट विंडो को श्रिंक करते हैं। अगर हमारी विंडो कुछ इनवैलिड हो गई है तो हम लेफ्ट विंडो को श्रिंक करते हैं। हमारी विंडो इनवैलिड कब होगी, जब हमारा करंट सम नेगेटिव में जाएगा, उसके समय हमें क्या करना है, डायरेक्ट एल को आर प्लस वन इस पर लेके जाना है और हमारे करंट सम को जीरो कर देना है। तो अगर हमारा करंट सम ये नेगेटिव में चला गया है तो हम करंट सम को अपडेट कर देंगे और हमारी लेफ्ट विंडो को भी श्रिंक कर देंगे। उसके बाद हम राइट विंडो को एक एक्सपेंड करेंगे ताकि हम नेक्स्ट आइट्रेशन कर सकें। लास्ट में हमारा जो भी मैक्सिमम आंसर आएगा वो मैक्सिमम में स्टोर हो जाएगा, वो हम रिटर्न कर देंगे, और जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे मैक्सिमम के कॉरस्पॉन्डिंग वो मैक्स स्टार्ट और मैक्स एंड इसमें स्टोर हो जाएंगे। तो अगर हमें उन्हें भी प्रिंट कराना हो तो हम यहाँ पर उन्हें प्रिंट करा सकते हैं। थैंक यू गाइस।